नमस्कार, ओके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित तिवारी। देश में कोरोना के केस 50 लाख से अधिक हो चुके हैं। हर रोज 80,000 से 97,000 के बीच नए मामले सामने आ रहे हैं। अगर यही ट्रेंड रहा तो नवंबर तक 1 करोड़ से अधिक केस हो जाएंगे। पिछले एक हफ्ते पर नजर डाले तो दुनिया में सबसे अधिक मामले भारत में आ रहे हैं। दुनिया के 3 सबसे प्रभावशाली देश अमेरिका, भारत और ब्राजील के 9 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक के आंकड़े देखें तो देश में 6,50,994 मामले सामने आए हैं। वहीं अमेरिका में 2,58,000 केस आए हैं। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में 2,24,175 पॉजिटिव केस मिले हैं। इस दौरान पूरी दुनिया में 19,54,640 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा मंगलवार को 50 लाख के पार जा चुका है। अब तक 50,18,034 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंतर 91,086 नए मामले बढ़ चुके हैं। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 11 लाख के करीब पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 20,282 नए मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 10,97,556 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 7,75,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 2,91,000 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है। 30,409 लोग कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 24 घंटे के अंदर 6,895 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। रिकॉर्ड 113 मरीजों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि एक दिन में 6,680 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मंगलवार को लखनऊ कैंट के भाजपा विधायक सुरेश चंद्र तिवारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनको होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। अभी राज्य में 67,335 एक्टिव मरीज हैं, यानी कि इनका इलाज चल रहा है। 2,52,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं बात करें मौत की तो राज्य में 4,606 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ओके न्यूज। वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।